अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौरिया 9534338689 7856914231 6206224713। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं GH न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। किसान बिल के विरोध में आज भारत बंद, RJD बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी। संसद में पास हुए 3 कृषि विधेयकों का विरोध अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज शुक्रवार 25 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। इस दौरान चक्का जाम किया जाएगा, इसे कई विपक्षी दलों का साथ मिला है। राजद ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। बिहार सीएम नीतीश कुमार बोले, बंद अब सरकारी काम, जुट जाइए विधानसभा चुनाव में। बिहार के मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी के 340 कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा कर्तव्य है सबसे मिलना, हम तो मिलते ही रहेंगे, चुनाव आने वाला है, क्षेत्र वगैरह का भी आइडिया लोगों से लेते हैं। पटना में रहने पर रोज पार्टी ऑफिस आते रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलते रहेंगे। बड़ी राहत, 2 पैसेंजर कल से चलेगी 1 अक्टूबर से 3 एक्सप्रेस भागलपुर। यात्रियों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बोर्ड ने मालदा रेल मंडल की 3 जोड़ी एक्सप्रेस और 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे दी है। गुरुवार की शाम नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। फैजाबाद और सुल्तानगंज के रास्ते दिल्ली जाने वाली मालदा दिल्ली फड़का एक्सप्रेस 2 जोड़ी और जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस कोविड स्पेशल बनकर 1 अक्टूबर से चलेगी, जबकि जमालपुर साहिबगंज और जमालपुर क्यूल पैसेंजर का परिचालन 26 सितंबर से होगा। दोनों पैसेंजर ट्रेनों में टिकट के लिए शनिवार से स्टेशनों पर साधारण टिकट काउंटर खुल जाएगा। बिहार में चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही पटना में BJP और JAP में झड़प। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही पटना में भारतीय जनता पार्टी और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। दरअसल कृषि बिल के विरोध में JAP के कार्यकर्ता BJP दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान उनकी बहस BJP कार्यकर्ताओं से हो गई। इसके बाद दोनों दलों के समर्थक आमने सामने आ गए। बिहार चुनाव, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। एक बूथ पर 1000 मतदाता करेंगे मतदान। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 25 सितंबर 2020 को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आयोग ने बताया कि इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बूथ पर सिर्फ 1000 मतदाता वोटिंग करेंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। नामांकन के दौरान 2 से अधिक गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं चुनाव प्रचार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमित मरीज आखिरी घंटे में वोट डालेंगे। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरण में होगी वोटिंग। 10 नवंबर को रिजल्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में इस बार 3 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से शुरू होगी और 7 नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग और 3 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग, 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानिए आपके जिले में कब और किस चरण में होगी चुनाव। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इस खबर में नीचे पढ़िए किस जिले में किस तारीख को मतदान होंगे।
पहले चरण में इस जिले में होंगे चुनाव। भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों में 28 अक्टूबर को चुनाव होंगे। दूसरे चरण में इन जिलों में होंगे चुनाव। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सिवरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिले में 3 नवंबर को होंगे चुनाव। तीसरे चरण में इन जिले में होंगे चुनाव। बोधगया सहित 7 जिले जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। पटना सहित बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज और सीवान में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। बिहार में कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान संगठन। तेजस्वी यादव ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पटना, केंद्र सरकार के नए कृषि विधेयक के विरोध में बिहार में विपक्षी दल शुक्रवार को सड़क पर उतर गए हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर रैली निकाली तथा कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधिदाता की कठपुतली बना दी है। विदित हो कि किसानों के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन सहित 31 विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को पूरे देश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। उन्हें बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, जन अधिकार पार्टी और वामपंथी दलों का समर्थन प्राप्त है। बिहार में मिले कोरोना के 1632 नए मरीज। राज्य में आंकड़ा पहुंचा 1,75,898। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1632 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,75,898 हो गई है। बिहार में फिलहाल 15,319 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हरकत में आया प्रशासन, उतारे होल्डिंग पोस्टर। सिवान, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर शुक्रवार को चुनावी बिगुल बजते ही आदर्श आचार संहिता के प्रति जिला प्रशासन सख्त हो गया है। शुक्रवार को आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से जिला मुख्यालय समेत नगर परिषद व नगर पंचायत में जिला व नगर पार्षद प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार प्रसार के लिए राजनीतिक दलों व राज्य सरकार द्वारा लगाए गए होल्डिंग बैनरों के हटाए जाने का अभियान चलाया गया। देर शाम शुरू इस अभियान को लेकर जिले में नगर पार्षद व नगर पंचायत प्रशासन द्वारा टीमों का गठन कर होल्डिंग बैनर हटाने का कार्य किया गया।